हेलो फ्रेंड्स, आज हम पफ बनाएंगे। पफ का स्टफिंग के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ऐड करेंगे। फिर ऑयल को गर्म होने देते हैं। फिर उसके अंदर 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे। जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद पिंच ऑफ जीरा पाउडर ऐड करते हैं। फिर हम बॉईल किया हुआ, स्मैश किया हुआ 1/2 कप आलू लेंगे और फिर 2 टेबलस्पून जितना मटर ऐड करते हैं। ये मटर मैंने फ्रोज़न लिया है और बॉईल कर लिया है। फिर ये दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसको स्लो मीडियम उसका आंच रखनी है। और अब इसमें हम मसाला करेंगे। पहले हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, फिर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करते हैं। चाट मसाले से ये स्टफिंग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और टेस्टी भी लगता है। और ये सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और फिर मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर हम लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करते हैं और हमारा स्टफिंग ये रेडी हो गया। ये स्टफिंग को हम साइड पे रख देते हैं। अब ये पफ पेस्ट्री डो है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इस डो को हमने फ्रिज में रखा था और फ्रिज में से 1/2 घंटे के पहले हम बाहर निकाल दिया है। फिर इसके हम 2 पार्ट करेंगे, आधा काट के आधा हम यूज़ करते हैं और ये आधा पार्ट को हम स्टोर कर सकते हैं। ये आधे डो से हमारे 3 पफ रेडी होंगे। अभी मैदे को स्प्रिंकल करके फिर उसको बेल लेते हैं। उसको एकदम हल्के हाथ से बेलना है, उसको बहुत जोर देके बेलना नहीं है और लंबा बेलना है। ऐसे ये एक थोड़ा लंबा हो जाए और बेल जाए, फिर पिज़्ज़ा कटर से इसकी बॉर्डर कट करनी है। ये खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बॉर्डर कट नहीं होगी तो हमारे लेयर्स नहीं खुलेंगे। तो चारों तरफ से उसकी बॉर्डर कट करनी है। ये देखो, ये मैंने ये चारों तरफ से बॉर्डर मैं कट कर रही हूँ। अभी एक लास्ट ये बॉर्डर भी मैंने कट कर लिया और इसके अभी 2 पार्ट करके 2 स्क्वायर बना लूँगी। ये मैंने ये 2 स्क्वायर बना लिए। अभी हम इसमें जो हमने स्टफिंग बनाया था आलू और मटर का, वो 1 टेबलस्पून जितना लेकर इसमें स्टफ करेंगे और अच्छे से उसको सेट कर लेते हैं। और फिर थोड़ा सा पानी लेके बॉर्डर पे लगा देते हैं और आमने सामने पैक कर लेते हैं। पूरा चारों तरफ से पैक नहीं करना है। और फिर ये हमारा एक पफ रेडी हो गया। देखो कितना सिंपल है पफ बनाना। अभी ये दूसरा पफ को स्टफिंग 1 टेबलस्पून जैसे पहले पफ को किया स्टफिंग, ऐसे ही इसको करना है। फिर आमने सामने पानी लगा के ये उसको पैक कर लेते हैं। और ये दूसरा पफ भी हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसको बेकिंग ट्रे में उल्टा रखेंगे, इसको सीधा नहीं रखना है। उल्टा रख के फिर इसके ऊपर हम ऑयल का ब्रशिंग कर लेते हैं। दोनों पफ को ब्रशिंग करना है।
ऑयल से ब्रशिंग करने के बाद हम ओवन में 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में 25 मिनट हम बोथ साइड बेक करते हैं। आपके पास माइक्रोवेव है तो कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पे 25 मिनट आप बेक कर सकते हो। देखो हमारे पफ कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप घर पे ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।